हम हैं चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में, एक जनसभा हुई। उस जनसभा में प्रदीप राणा जी, चूँकि आप पार्षद प्रत्याशी हैं, आपका सिंबल क्या है? वायुयान जी। वायुयान मेरा हवाई जहाज। हाँ, तो अभी देखिए हवाई जहाज के निशान के साथ साथ जो है गौरव गोयल जी भी यहाँ आए। जन समर्थन था या फिर क्या था, ये जनसभा थी क्या थी आपकी? नहीं, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी मंगला रोड पर स्थित है। सभी यहाँ के जितने वासी हैं उन्होंने एक सभा करी और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मेरे समर्थन में। मुझे बड़े ही दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से रुड़की में अपार जन समर्थन मिल रहा है, हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले से मुझे हिसाब से लोग बुला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। मैं हृदय की गहराई से सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। निश्चित रूप से आपका दिया हुआ एक एक वोट मेरे सिर पर भार के रूप में रहेगा और मैं इसे पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि जितना दिन रात हो सके मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ रुड़की नगर का विकास करूँ। अभी ये कह रहे थे जो भी नए एरियाज नगर निगम में ऐड हो रहे थे, लोगों का ये कहना था कि बहुत ही कम समर्थन मिलेगा, बहुत ही कम लोग जानते हैं और आप तो आसपास एरिया में जो है जनसभाएं करते फिर रहे हैं। देखिए कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, चाहे वो मतल्लापुर हो, सुनहरा हो, सलीमपुर हो, शफीपुर हो, मोहनपुरा हो, चाहे आसफ नगर हो, साउथ सिविल लाइन हो, डिफेंस हो, मोहम्मदपुर हो, उसके अलावा खंजरपुर हो, शेरपुर हो, माजरा हो, जितने 20 वार्ड बाहर के मिले हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गली मोहल्ला होगा जहां लोग मुझे ना जानते हो और अपना पूरा स्नेह मुझे ना दे रहे हो। मैं स्नेह से गदगद हूं और निश्चित रूप से अच्छाई को फैलने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है लेकिन परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, मेरा मानना है। लगता है जनसभाएँ कुछ ज़्यादा हो रही है, आवाज़ बैठ रही है आहिस्ता आहिस्ता करते करते। और तो लोग अपने अपने विचार रखेंगे, वो बताएंगे कि जनसभा के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये मैं बताऊंगा तो बेहतर नहीं होगा जी। आप जो है प्रदीप राणा जी हैं, आपका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है और आप यहाँ के प्रत्याशी हैं पार्षद पद के। क्या थी ये जनसभा और किस लिए थी ये जनसभा? देखिए, ये जनसभा जो थी ये एक प्रत्याशी, ये गौरव गोयल जिनका वायुयान है, उनके समर्थन के लिए थी, ठीक है ना, क्योंकि वे बहुत अच्छे और साफ छवि के इंसान हैं। तो ये जनसभा जो थी एक अच्छे इंसान को आगे बढ़ाने के लिए थी, ठीक है ना। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस कॉलोनी में जल निकासी, डंपिंग जोन, इन सब की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मुझे लोगों ने खड़ा किया है। जनसभा जो थी वो इसका कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज होने के नाते आपने हवाई जहाज को सपोर्ट किया? नहीं नहीं, या फिर कोई और कारण? ये सिर्फ एक छवि, जिस इंसान को हमने बुलाया है उस इंसान की छवि बहुत अच्छी है समाज में। काम करने की शक्ति जो है गौरव गोयल में है, उनमें जनून है काम करने का और नवयुवा है, न किसी पार्टी से नहीं है और काम करने की शक्ति है उनको। समर्थन तो आप किशोर को भी दे सकते थे, क्यों नहीं जी? किशोर जी जो हमारे चाहते और वो हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, वो गौरव गोयल जी हैं। और गौरव गोयल जी जो है, मैं जैसा जानता हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनके जो मैसेज आते रहते हैं हर एक ओकेजन पे, कोई भी जैसे 15 अगस्त का हुआ, 26 जनवरी हुआ, दीपावली हुआ, तो उनके 20 मैसेज आते रहते हैं। तो वो मतलब कहने का ये है जनता से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मतलब ये मोहब्बत क्या सोशल मीडिया की है साहब? देखो, ये जो आज जो जनसभा हुई है उसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका गौरव जी को काफ़ी हद तक मालूम है और हम ये चाहते हैं कि एक कैंडिडेट ऐसा जीते जो इस क्षेत्र की समस्याओं का सुधार कर सके। ये एक कैपेबिलिटी उनके अंदर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो वो इस क्षेत्र का समाधान जरूर करेंगे, बेसिक नीड हमारी जो है उसको पूरा करेंगे। तो ये हमारी इस पर्पज से हमने जनसभा की। इसके साथ ही जो है गौरव गोयल जी जो हैं हर सुख में, हर दुख में, हर किसी उसके साथ जो अपने जनता के साथ में जुड़े रहते हैं और जो भी उनके संज्ञान में बातें आते हैं उसको पूरा करने के लिए और हर उस पर जो है प्रयत्न करते हैं। तो बड़े जुझारू नेता हैं, कर्मठ नेता हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ से जीतें और वो हमारे इस कॉलोनी का जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। गौरव गोयल जी को समर्थन देने का आधार क्या है, सोशल मीडिया या क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, पिक्चर क्लियर नहीं होती है। धीरे धीरे जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी पिक्चर क्लियर होती जाती है। धीरे धीरे छवि पता चली उनकी, जब छवि, साफ छवि हमारे सामने आई, मेरे खुद के हस्बैंड प्रत्याशी हैं तो उनकी भी जब छवि लोगों को पता चली तो लोग समर्थन में आए, इसी तरह से हम भी उनके समर्थन में आए। मैंने आज उनके सामने एक बात रखी है कि हमारे रुड़की शहर में पार्क की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं खुद स्कूल चलाती हूँ तो स्कूल संचालिका होने के नाते मुझे लगता है कि पार्क नहीं है यहाँ पे।
और इतने वर्षों से क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता कि रुड़की तो एक शहर है। तो मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा ज़रूर इस मामले में जो हो सकेगा वो करेंगे अपनी तरफ से। देखिए वो सुन रहे हैं, उसमें रिएक्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने हमें ऑप्शन भी दिया है कि हम जो कर सकते हैं। मतलब ये है कि प्रत्याशी को आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, जितना अच्छे से समझेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वोट करेंगे। डेफिनेटली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इट्स ओनली योर एक्शंस विच स्पीक्स ना, तो वो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपके एक्शन स्पीक करते हैं, वो करते हैं काम इसलिए दिखाई देता है। मतलब ये था अभी कुछ टाइम पहले कि काम बोलता है, काम बोलता अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था, फिलहाल यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है क्यों? जी बिल्कुल सही है। नहीं अखिलेश यादव का नहीं है, तो गौरव गोयल का काम बोल रहा है और वो उनका आगे भी उनका ही बोलेगा। बेसिकली ये है कि आप लोग अगर वोट करने जाएं तो प्रत्याशी के बारे में समझने का प्रयास करें। शुरुआत में ऐसा होता है कि प्रत्याशी आए और आपने उनका आदर सम्मान किया, सबका आदर सम्मान कीजिए, वोट करने का आपका अधिकार है, वहाँ जाकर और ठप्पा जो लगाना है, बेसिकली जो मोहर लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लगाते हैं। जिसको जानते हैं, जिसको बेहतर तरीके से जानते हैं आप उसको वोट लगाइए, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग आप जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। और मुझे एक लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछनी पड़ेगी कि बेसिकली आपका उद्देश्य क्या है पार्षद का चुनाव लड़ने का? देखिए पार्षद का चुनाव बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी कॉलोनी में जल निकासी और कूड़ा निस्तारण डंपिंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारा मुद्दा यही है कि किस इस क्षेत्र में जो है हमारे क्षेत्र में जल निकासी और आपका कूड़े का निस्तारण हो और बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़े बड़े पार्क बने, क्योंकि यहाँ पे पार्क की बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती है। रिहायशी इलाके बन गए हैं, पहले खेत हुआ करते थे, अब घर बन गए हैं तो खेलने की जगह भी नहीं है, पानी की निकासी जो है वही समस्या है हमारी। आपको यहाँ पर खड़े होने की जगह मिल रही है, अगर थोड़ी एक महीने पहले आप आते तो शायद आप इस तरह से खड़े नहीं हो पाते। यहाँ इतना पानी जल भराव इधर का सबसे बड़ी समस्या। अगर मतलब ये है कि मैं हमेशा सही टाइम पे सही समय पे पहुँचता हूँ जिससे मुझे कोई समस्या ना हो। दोस्तों आप देख रहे हैं नोइज़ सिटी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।